मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमने न्यूरोलॉजी सेंटर जो एस्टेब्लिश किया है, ये 2018 में किया था। राउंड द क्लॉक हमारे पास जो सर्विस अवेलेबल है उसके लिए बहुत ही आला क्वालिफाइड टीम अवेलेबल है, जिसमें कि डॉक्टर्स का जो मिनिमम लेवल है वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने क्वालिफिकेशन की हुई होती है और मिनिमम 5 साल से ज़्यादा उनका न्यूरोलॉजी में एक्सपीरियंस है। और इसी तरह नर्सेज भी ट्रेंड हैं और साथ उनके जो पेशेंट के रेसिस्टेंस हैं वो भी हेल्पर के तौर पे काफ़ी ट्रेंड है, जो कि लैक्टेशन में और बाकी सर्विसेज में हेल्प करते हैं। जो मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल का NICU है, इसमें जदीद इक्विपमेंट है, जिसमें न्यू बॉर्न के वेंटिलेटर्स, इनक्यूबेटर्स, इन्फेंट वार्मर्स, फोटोथेरेपी लाइट्स, इन्फ्यूजन पम्प्स, अल्ट्रासाउंड राउंड द क्लॉक, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से एक्को राउंड द क्लॉक और सर्जिकल फैसिलिटी राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। मैं एक स्पेशल केस का जिक्र करना चाहूँगा, जो आजकल कोविड है, यंग मदर थी, प्रॉब्ली 20s में, शी वॉज प्रेगनेंट 27 weeks, 26 weeks, 26 and a half weeks, और वो सीवियर कोविड था तो उसको वेंटिलेट करना था, तो ये मेडिकल टीम ने, हमारे नसीजा की टीम ने डिसाइड किया कि इसको सीजरियन करना पड़ेगा, बेबी को निकाला। एंड दैट अनप्लान जो एमरजेंसी हमारे पास आई कुछ, तो उसको फिर हमने बेबी हमारे पास वो ऑलमोस्ट 2 months रहा और बिल्कुल अन इवेंटफुल रिकवरी के साथ यहाँ से डिस्चार्ज हुआ।